हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल UKS Academy। इसके अंदर अपन बात करेंगे आज द ट्रुथ अबाउट एनिमल टेस्टिंग फॉर कॉस्मेटिक्स। जी हाँ, यानी कि वो सारी की सारी सच्चाई आपको जानना ज़रूरी है जो कि अपन कॉस्मेटिक्स का यूज़ तो कर रहे हैं बट उनके कारण एनिमल्स पे कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है और एनिमल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि आप जो भी मेकअप अप्लाई कर रहे हैं अपने आप को ब्यूटीफाई देखने के लिए, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एनिमल के सोर्सेज से अपने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपके ऊपर टेस्ट करने से पहले उनके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। बिल्कुल, आप इतने सारे कॉस्मेटिक्स हैं जो कि पूरे दिन में यूज़ करते होंगे कि आपने सोचा है कि मिलते कैसे हैं और आपके स्किन पर टेस्ट होने से पहले ये किस तरीके से एनिमल्स पर टेस्ट होते होंगे। आप पूरे दिन केमिकल्स को है जो कि अपने फेस पर लगाते रहते हो, बट अगर आपको इसकी सच्चाई के बारे में जानने का मौका मिले तो आप भी चौंक जाएंगे। और ऑब्वियस है कि बहुत सारे एनिमल्स को इनके लिए है जो कि सेक्रीफाइस किया जाता है। बिल्कुल जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं वहाँ से कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि आपको एनिमल से मिलते हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ नेचुरल कौन कौन से सोर्सेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉस्मेटिक। सबसे पहले बात करते हैं कॉशिनियल बीटल की। कॉशिनियल बीटल बेसिकली एक इंसेक्ट है जो कि जो कैक्टी प्लांट हैं उनके ऊपर है जो कि पाया जाता है। इसके अंदर जो है बेसिकली कार्बन डाई होती है जो कि जो कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऑब्वियस है कॉशिनियल बीटल रेड कलर की होती है, तो जो भी रेड कलर के लाइक लिपस्टिक मेकिंग है या फिर आई शेडोज़ हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं फिश स्केल। फिश स्केल है उसके ऊपर बेसिकली ग्वानिन नाम का एक शाइनिंग मटेरियल होता है जो कि शिमरिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो भी शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं उन सब में फिश का स्केल यूज़ किया जाता है, जैसे कि नेल पॉलिश हो गई, लिपस्टिक हो गई, ग्लिटर्स हो गए ना, आई शेडोज़ हो गए। फिर बात करते हैं शार्क लीवर ऑयल की। शार्क लीवर ऑयल बेसिकली ऑब्वियस आपको एक शार्क का लीवर है जो कि यूज़ करना है तो आपको शार्क को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बेसिकली इसके अंदर स्क्वेलिन नाम की प्रोडक्ट होता है जो कि एंटी एजिंग क्रीम्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑब्वियस बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्यों ऑब्वियस है, क्योंकि वी हैव टू सेक्रीफाइस द शार्क। देन दूसरी चीज़ें लोशन में, डिओड्रेंट्स में, हेयर कंडीशनर्स में, आई शेडोज, लिपस्टिक, फाउंडेशन, लिप बाम, सनस्क्रीन, क्लींजर, इन सब में है जो कि इसका यूज़ किया जाता है। आपको जो कैप्सूल्स मिलते हैं विटामिन ई के, दे ऑल आर मेड ऑफ शार्क लीवर ऑयल और कोड लीवर ऑयल। फिर बात करते हैं शिप वूल की। शिप वूल में बेसिकली एक लैनोनिन नाम का प्रोडक्ट होता है जो कि उसकी स्वेट ग्लैंड से है जो कि बाहर निकलता है, काफ़ी वैक्सी होता है, तो जो भी आपको ऑइंटमेंट प्रॉपर्टी या फिर एक वैक्सी प्रॉपर्टी चाहिए वैसलीन लाइक, तो वहाँ पर अपन शिप वूल का यूज़ करते हैं। शिप वूल में बेसिकली अगर आप देखा जाए तो अगेन लिपस्टिक बनाने के लिए या जो भी आप ऑइंटमेंट बेस यूज़ कर रहे हैं उनमें यूज़ किया जाता है। देन लैक, लैक ऑब्वियस जो लाक की चूड़ियाँ आती हैं मार्केट में वो उस लैक के लिए बात कर रहे हैं। लैक भी एक तरीके का है जो कि नेचुरल रेजिन है जो कि एक इंसेक्ट से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें शेलेक नाम की एक चीज़ होती है जो बेसिकली कॉस्मेटिक्स में इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस के अंदर लुब्रिकेंट्स के रूप में एंड पॉलिशेस के रूप में यूज़ की जाती है। लैक कुछ इस तरीके का दिखता है और इस तरीके के हैं जो कि चूड़ियाँ या फिर कलर्स कॉस्मेटिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं फिश स्किन की। हाँ, स्केल के साथ साथ फिश की जो स्किन है वो भी यूज़ की जाती है क्योंकि उसमें लार्जर क्वांटिटीज़ में है जो कि कॉलेजन यानी कि प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप स्किन के बारे में देखेंगे तो बेसिकली जो प्री ट्रीटेड स्किन है वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं, उसे ट्रीट करने के बाद आपको कॉलेजन है जो कि मिलता है। कॉलेजन बेसिकली काफ़ी सारी जगह है जो कि यूज़ किया जाता है। और जो काउ डक है, बिल्कुल बहुत स्ट्रेंज की बात है अगर आपको पता चलेगा कि जो काउ डक है उससे वेनिला फ्रेग्रेंस बनाया जाता है, यानी कि अगेन वी यूज एनिमल पार्ट बट विदाउट द सेक्रीफाइजिंग एनिमल। फिर बात करते हैं अपन हॉर्स की। जो एडल्ट फीमेल हॉर्स है यानी कि जो मेयर होती हैं उसके भी यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन को कलेक्ट, प्रेग्नेंट मेयर के यूरिन को कलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियली अपन से बार बार प्रेग्नेंट भी कर रहे हैं ताकि उसका यूरिन कलेक्ट किया जाए। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि फीमेल हॉर्स यानी कि मेयर है उसके यूरिन के अंदर लार्जर क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन होती है जो कि एक फीमेल के अंदर मीनोपोज के दौरान काफ़ी काम आती है, क्योंकि मीनोपोज के अंदर जो हॉट फ्लैशेज, मूड स्विंग्स, इंसोमिया, डिप्रेशन और रहते हैं उनमें इस हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन को यूज़ किया जाता है जिससे कि वो ट्रीट होती है। इसके मार्केटेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं विच इज़ नोन एज प्रेग्नेंट मैरेज यूरिन, और बेसिकली 750,000 जो हॉर्स या फिर मेयर कह दो उनको हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि अपन उसमें से एस्ट्रोजन रिच यूरिन को कलेक्ट कर सकें। बेसिकली जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं मीनोपॉज के दौरान, यानी कि जब आपकी ओवुलेशन है जो कि ख़त्म होने वाली है इन फीमेल, उस टाइम पर जो कंडीशंस हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए।
तो आप खुद सोचिए कितने सारे प्रोडक्ट्स को अपन यूज़ कर रहे हैं एनिमल्स में, कहाँ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कहाँ पे उनके ऊपर किस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ सही है? ऑब्वियस है, कॉस्मेटिक्स अगर आपको यूज़ करना है तो नेचुरल सोर्स से भी आपको कॉस्मेटिक्स हैं जो कि मिल सकते हैं। अगर आपको पता हो तो एक फीमेल पूरे दिन में 12 तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लेती है, जिसमें से 60% उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसमें 168 केमिकल्स होंगे। और अगर कोई फीमेल रोज है जो कि लिपस्टिक अप्लाई कर रही है, अगर उसे अपने होंठ से हटने नहीं दे रही है, तो 87 मिलीग्राम ऑफ लेड है जो कि वो पूरे दिन में कंज्यूम कर चुकी होगी। ऑब्वियसली इट इज टॉक्सिक ऑल्सो, यानी कि कुछ साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऑब्वियस है आपको इन चीज़ों का किस तरीके से यूज़ करना है, नहीं करना है, आप खुद देख लीजिए। साथ ही साथ जो अप्लाइंग इंस्ट्रूमेंट है लाइक मेकअप ब्रश, वो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी यूज़ कर, उनका भी सोर्स है वही एनिमल है। कैसे? क्योंकि काफ़ी सारे जो आप मेकअप ब्रश यूज़ करते हैं वो स्क्वल से, मिंग से, सेबल से, हॉर्स से एंड मूंगो से, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। यानी कि अगर इनके हेयर्स को अपने को लेना है तो ऑब्वियस इनको सेक्रीफाइस करना होगा। अगर आपको पता है पूरे साल में 1,00,000 मूंगोस को है जो कि ख़त्म कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ उससे मेकअप ब्रश बनाने के लिए। बहुत ही दुखद चीज़ है और ऐसी चीज़ अपने को है जो कि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन किसी ना किसी एनिमल को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उनके ऊपर है जो कि कोई चीज़ उनको हर्ट नहीं हो रही है। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपन लिपस्टिक है जो कि या फिर कोई भी कॉस्मेटिक्स हैं वो नेचुरल सिस्टम्स के ही यूज़ करें, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी भी कोई केयर करे। इनको सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिकल रूप के रूप में या फिर किसी इवोल्यूशन के रूप में यूज़ ना करें। अपन जो भी कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं इसके ऑब्वियस बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल होंगे जो कि नेचुरल या फिर हर्बल हैं, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। फिर बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। ऑब्वियस अगर आप इतने सारे केमिकल्स को पूरे दिन अपने फेस पे पोत रहे हो तो कोई ना कोई एलर्जी भी क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली जो कॉस्मेटिक्स हैं वो एलर्जी, स्वेलिंग, पिंपल्स, वॉमिटिंग, हेडेक, बीपी एंड नोजिया हैं जो कि कॉज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस अपने को एट लास्ट मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी कॉस्मेटिक्स अपन यूज़ कर रहे हैं उन्हें अपन को यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि एनिमल्स के लिए खतरनाक है या फिर एनिमल्स से यूज़ किए जा रहे हैं या फिर एनिमल्स को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो ऑब्वियस वी हैव टू टेल एनीवन दैट वी आर अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग। आप यूज़ कीजिए बट एनिमल को टेस्ट ना कीजिए। साथ ही साथ उनसे अगर इस तरीके से कुछ सेक्रीफाइस करके चीज़ें मिल रही हैं तो वो भी ना कीजिए। आपको जानने के बहुत हैरानी होगी कि जो इंडिया है इट इज़ द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने एनिमल टेस्टिंग को है जो कि बैन कर दिया है। यानी कि कॉस्मेटिक्स के लिए आप एनिमल की टेस्टिंग नहीं कर सकते। बहुत ही बड़ा एक स्टेप है, बाकी दूसरी कंट्रीज़ भी धीरे धीरे उसे ले रही हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यूकेएस अकेडमी को फॉलो कीजिए। थैंक यू।